हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू पीकेबी एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्लस टू बेस का जो एग्ज़ाम है, यानी कि कल जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए थोड़ी इंस्ट्रक्शन देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है वो एडमिट कार्ड पर दी हुई है, और कुछ एडमिट कार्ड पर नहीं दी हुई, वो मैं आपको दोनों तरीके की इंस्ट्रक्शन जो है वो बता दूंगा। तो सबसे पहले, अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, तो आपके अपने फ़ोटोग्राफ के राइट साइड के अंदर एक कोर ब्लैंक है, जहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है और उसके ऊपर खुद के सिग्नेचर कर लेने हैं। फिर मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट टू बी साइंड ड्यूरिंग टेस्ट, तो जब आपका टेस्ट हो रहा होगा तब आपको बोला जाएगा कि इसके ऊपर साइन कर लीजिए, तो आपको तब यहाँ पर साइन करनी है, पहले आप साइन ना करें। और थंब इम्प्रेशन ऑफ कैंडिडेट टू बी ओबटेन ड्यूरिंग टेस्ट, यहाँ पर थंब इम्प्रेशन होगा, वो भी टेस्ट के दौरान लिया जाएगा। और साइन ऑफ इन्विजिलेटर 1-2, यहाँ पर दो इन्विजिलेटर होंगे, यानी कि रूम के अंदर जिनकी ड्यूटी होगी उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। और फिर है दोस्तों, नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इंस्ट्रक्शन आ जाती है। तो इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया हुआ है, प्लीज़ वेरीफाई, सारी डिटेल आप वेरीफाई कर लें, कहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, और 10 बजे से 1:30 बजे तक जो है वो एग्ज़ाम टाइमिंग है, सॉरी 10 बजे से 1 बजे तक। तो दोस्तों, 30 मिनट बिफोर, यानी कि आपको 9:30 बजे से पहले पहले वहाँ पर पहुँच जाना है। और फिर और देखते हैं, कोई भी कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम शुरू होने के बाद एंटर नहीं करने दिया जाएगा। और दोस्तों, OMR सीट एंड यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड टू इन्विजिलेटर बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल को लीव करने से पहले, यानी कि वापस आते टाइम OMR सीट और एडमिट कार्ड जो है अपना, इनको देख के आना है। डू नॉट कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग, कैलकुलेटर, बैग, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह वहाँ पर अलाउड नहीं है दोस्तों। और अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन होता है तो वहाँ पर सबमिट कर लिया जाता है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप मोबाइल फ़ोन लेके जाते हैं तो वहाँ पर सबमिट हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और आते टाइम आप उस मोबाइल को ले सकते हो। और फिर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, एडमिट कार्ड के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको अपनी आइडेंटिटी लेके जानी है, जैसे कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास अपनी आइडेंटिटी लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह नहीं होती है, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड जो है वो कंपलसरी है, वो होना ज़रूरी है। अगर आप आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं लेके जाते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सा मतलब मुश्किल हो सकती है, यानी कि वो बोलेंगे यहाँ बाहर खड़े रहो, ऐसे करो वैसे करो, और आपका एग्ज़ाम हो सकता है ना ही हो। तो आप कोई भी आइडेंटिटी, आधार कार्ड या पैन कार्ड ज़रूर लेके जाएं। और भी आपके मन में कोई डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। और भी वीडियो आज हमारे YouTube चैनल पीकेबी एजुकेशन पर हम डाल देंगे, जिस तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होगी, एग्ज़ाम जो है वो टाइम पे कैसे कम्प्लीट करना है, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों।